हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, शिवम अगेन विद माय न्यू वीडियो एंड वेलकम यू इन माय चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। आज मैं आपको एक टॉपिक लेके आया हूँ कि तबले का सही चुनाव किस तरह से करें या किस तरह से सही तबला खरीदें। हमारे एक दोस्त का मैसेज आया था, मनीष यादव नाम है, वो पूछ रहे थे कि तबला कहाँ से खरीदें या कैसे खरीदें, किस तरह से सही तबला खरीदें। तो मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तबले तरह तरह के हैं। देखिए, मुझे आपका लोकेशन तो नहीं पता है कि आपका लोकेशन कहाँ है, आप सबसे पहले अपना लोकेशन भी डालिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और मैं इस समय राइट नाउ आई एम प्रेजेंट इन लिविंग इन दिल्ली, सॉरी, एंड मैं आपको तबले के बारे में बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो में बताया था कि तबले के जो फ्रंट पोजीशन है जो तबले का, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है। जैसे आप इस तबले में देखिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है। और जो बाया होता है वो वेटेज पे डिपेंड करता है, यानी वजन पे डिपेंड करता है कि आप कितने वजन का लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप जितने वजन का लेंगे उतना उसका बेस अच्छा होगा। अगर आप लाइट वेट का लेते हैं जैसे बाया, तो वो साउंड कम करेगा, यानी वाइब्रेट कम होगा, इको कम बनेगा, तो उसका बेस जो है बेस लाइट होगा, जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं तो आप छोटे मुहाने का जैसे बोलते हैं या चाटी, छोटे मुंह का ले सकते हैं तबला। बस इसका चाटी सी शार्प पे हो या सी पे हो, डी तक चली जाए नोट्स के हिसाब से, डी शार्प तक, इतनी चाटी का साउंड सही आपके लिए। और दूसरी चीज़ कि आप तबले छोटे मुंह का कम से कम 5.5 इंचेस का लें, जो साउंड भी अच्छा करेगा और आपको ईजी भी पड़ेगा बजाने, और स्याही का साउंड भी अच्छा हो, आप ये देख लें। और अगर आप बड़े मुंह का लेते हैं तो वो थोड़ा सा मृदंग जैसी आवाज करेगा, इस तरह से। लाइक दिस। तो ये तबला भी अच्छा होता है, पर ये थोड़ा सा इसका जो मुहाना है, मुंह है, वो बहुत बड़ा है, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। पर आप अगर बड़े मुंह के तबले से बजाते हैं तो वो आपके हैंड प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो और बाय की बात है तो बाया स्टील का भी होता है और पीतल का भी होता है। पीतल का थोड़ा सा कॉस्टली होता है और वेटेज भी होता है, और ऐसा नहीं है कि स्टील का भी खराब होता है। स्टील का अगर आप अराउंड 4-5 kg लेते हैं तो वो साउंड अच्छा करेगा, बेस अच्छा करेगा, बेस अच्छा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि बेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तबले में। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे अपना नंबर या मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और किसी भी तरह की आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्लासेस से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं, उसका चार्ज होगा। और हमारे इंस्टीट्यूट दिल्ली में सुल्तानपुर में भी आप विजिट कर सकते हैं अगर आप नियर बाई दिल्ली के हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू। अगर आप कुछ भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी खरीदना हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। माय नंबर इज 8006236440, 8006236440। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। सो आप प्लीज वॉच इट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, एंड इफ देयर एनी देयर कमेंट, सो प्लीज कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। I hope you